23वां प्रश्न देखें कि अनुचुंबकीय लवण के एक नमूने में 2×10⁻⁴ 24 परमाणु द्विध्रुव है, जिनमें से प्रत्येक का द्विध्रुव आघूर्ण 1.5×10⁻³⁰ जूल प्रति टेस्ला है। इस नमूने को 0.64 टेस्ला के एक समान चुंबक के क्षेत्र में रखा गया है और 4.2 केल्विन ताप तक इसको ठंडा किया गया है। इसमें 15% चुंबक की संतृप्ता आ गई है। यदि इस नमूने को 0.98 टेस्ला के चुंबक के क्षेत्र में 2.8 केल्विन ताप पर रखा हो तो इसका कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? आप यहाँ पर क्यूरी नियम लागू कर सकते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। एक नमूने के अंदर परमाणु द्विध्रुवों की संख्या हमें यहाँ पर दे रखी है। तो पदार्थ का कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, यहाँ पर जो द्विध्रुवों की संख्या है वो 2.0×10⁴ और एक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण 1.5×10�³ बट यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस पदार्थ के ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं B बराबर 0.64 टेस्ला, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण से इसमें 15% चुंबकीय संतृप्तता आ गई है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो प्राप्त चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा वो देख लीजिए। प्राप्त चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो मेटर है उसने कितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त कर लिया है वो आप देखें, उसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल m से। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जितना भी है उसका 15% इसने प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि हमारे पास में इसको हम कैलकुलेट करके मैं यहाँ पर लिख दूँ तो 30 होगा, और 30 का 15% इसने प्राप्त कर लिया है। तो यहां से हमारे पास में 4.5 जूल प्रति टेस्ला आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, हम एक रिलेशन जानते हैं चुंबक की प्रवृत्ति का। क्या जानते हैं? चुंबक की प्रवृत्ति काई बराबर होता है एम बट्टे में एच, और ये बराबर होता है सी बट्टे में टी अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। देखिए, हम आपको बता दें कि जो एम है ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बट्टे में आयतन के बराबर होगा। तो यहां से ये हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा। यदि हम दो भिन्न स्थितियों के लिए इसको हम पुट करें तो एम हम यहां पर इसको इस तरीके से m बराबर हम पुट कर सकते हैं c v आयतन है ये h बट्टे में t c v, और इसको हम म्यू जीरो, देखो h बराबर हम हाँ, b बट्टे में म्यू जीरो इसको पुट कर सकते हैं, b बट्टे में म्यू जीरो इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां से जो स्मॉल m है ये समानुपाती हो जाएगा b बट्टे में t के। तो यहां से देखिए हमारे पास में क्या आएगा रिलेशन, m2/m1 बराबर बराबर आ जाएगा b2/t2 t1/b1, ये हमें मिल जाएगा। तो यहां से इसकी इन सब की वैल्यू यदि हम यहाँ पर ज्ञात करना चाहें तो m2 बराबर क्या आ जाएगा, b2 t1 m1 बट्टे में, हमें देखिए क्या मिल रहा है, b1 t2। तो यहाँ से 0. जो बाद वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0.98, प्रारंभिक जो ताप है वो 4.2 केल्विन और
प्रारंभिक जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो 4.5 और बाद वाला हमें ज्ञात करना है। B1 प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र जो कि 0.64 है और अंतिम जो ताप है वो 2.8 केल्विन कहा गया है। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को M2 की वैल्यू मिल जाएगी 10.335 जूल प्रति टेस्ला। तो ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये था अपना 23वां प्रश्न।